विविधता। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी केंद्र की मोदी सरकार पर भड़के हुए हैं। वो केंद्र सरकार पर इतना गुस्सा है कि भाषा की सारी मर्यादा पार करते हुए यहाँ तक कह दिया कि केंद्र सरकार पुडुचेरी को ट्रांसजेंडर घोषित कर दे। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार है और सीएम वी नारायण स्वामी की तनातनी वहाँ के उपराज्यपाल किरण बेदी से सामने आती ही रहती है। भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थान पुडुचेरी और गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन तिरुवनंतपुरम की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए नारायण स्वामी ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को जब जैसा सूट करता है वो अपने हिसाब से हमारे साथ सलूक करती है। मैं उनसे कहता हूं कि वो हमें कम से कम ट्रांसजेंडर घोषित कर दे, हम न इधर के हैं और न उधर के, यही हमारी स्थिति है। This is my moot question. The government of India, whenever it suits them for central schemes and centrally sponsored schemes, they treat us for their convenience as a state. GST, we are a state. When it comes on the question of implementation of various schemes, we are a union territory. Because we get only again 30% grant. GST, they are taking away our money. They treat us. I told them, at least declare us as a transgender also. we are neither here nor there. This is our position, because I saw some knows pretty well about our नारायण स्वामी के इस बयान पर पुडुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी ने पलटवार किया है। न्यूज एजेंसी एनआई से फोन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार की वजह से ही पुडुचेरी प्रशासन वहां के लोगों को महत्वपूर्ण सेवाएं देने में सक्षम हो पा रही है। केंद्र सरकार अपने केंद्र शासित प्रदेश की जरूरतों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार इसकी देखरेख करती है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी वक्त वक्त पर की मोदी सरकार पर पुडुचेरी के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते रहे हैं। नारायण स्वामी और पुडुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी के बीच काफी दिनों से तनातनी चल रही है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नारायण स्वामी ने किरण बेदी के कामकाज के तरीके की आलोचना करते हुए उन्हें जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की बहन कहा था।